गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का कॉमन टॉपिक्स है जो कि हम लोग प्राइमरी लोअर क्लासेस 6 से और 9 तक पढ़ते आ रहे हैं। फ्रिक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रगड़। फ्रिक्शन रगड़, जितने भी फ्रिक्शन होते हैं वह प्रायः गति का विरोधी करते हैं। हु अपोजेज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जो गति का विरोध करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज गति का विरोध ही करते हैं। और एक मामले में फ्रिक्शन मोस्टली बेनिफिशियल है और कुछ मामले में फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल है। अगर मान लिया जाए सड़क पर रोड़े कंकड़ पत्थर हम क्यों बिछाते हैं कि सफिशियंट फ्रिक्शन फोर्स बना रहे हैं। अगर बड़े बड़े रोड़े कंकड़ पत्थर अगर हम बिछा दें तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। इतना फ्रिक्शन हो जाएगा कि चलना हम लोगों को मुश्किल हो जाएगा। एक रिंग पहनते हैं, एक नई अंगूठी पहनते हैं, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उसमें कोई लुब्रिकेंट्स टाइप का सब्सटेंस को लगाकर पहनने के बाद उसका फ्रिक्शन कुछ कम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना भी आप वर्क देख रहे हैं, ड्राइंग पेपर पर लिखना या आर्टिंग की प्रक्रिया को करना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, सड़क पर चलना, रोड पर चलना, ट्रक बस का चलना, दीवार पर कांटी ठोकना, ये सब क्या है? फ्रिक्शन बल है। अगर फ्रिक्शन बल काम कर दे तो हमारे जीवन की अधिकांश एक्टिविटी ठप पड़ जाएगी। एक ग्लास है, एक ग्लास में आप वाइल्स लुब्रिकेंट्स लगा दीजिए और हाथ में भी लुब्रिकेंट्स लगा लीजिए और ग्लास को उठाने का प्रयास कीजिए। अगर उठा भी लिए तो ग्रेविटेशन फोर्स के चलते कब नीचे गिर जाएगा, कब चकनाचूर हो जाएगा, कहना मुश्किल है। हम लोग जब केले के छिलके पर हमारा पैर पड़ता है तो हम अचानक स्लिप कर डालते हैं। बिकॉज क्या, जितना हमने क्रिया दिया उतना वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, फ्रिक्शन बल पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाया और हम स्लिप कर गए। इसलिए कच्ची सड़कों पर हम लोग चलते हैं बड़ा सावधानी से, जहां काई लगा हुआ होता है वहां पर फ्रिक्शन बल नहीं के बराबर होता है, तो उस परिस्थिति में हमारे जो जूते में खांचे या नुकीला जूता अगर रहेगा तो वह हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। कहने का मतलब है कि ज्यादा परिस्थितियों में, अधिकांश परिस्थितियों में फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बोतल के ठेपी को खोलना, कॉर्क को खोलना ड्यू टू फ्रिक्शंस, ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखना ड्यू टू फ्रिक्शंस, फाउंटेन पेन से पेपर पर लिखना ड्यू टू फ्रिक्शंस, साइकिल का सड़क पर चलना ड्यू टू फ्रिक्शंस, कार का सड़क पर चलना ड्यू टू फ्रिक्शंस। अगर मान लिया जाए फ्रिक्शन बल काम करना बंद कर दे, लाख प्रयास करने के बाद वह जो कार का व्हील है अपने जगह पर केवल घूमते रहेगा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। आप कौन सा एग्जाम्पल बताना चाहते हैं जहां पर कि फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता हो? हाँ, ये कहिए, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कम करने का प्रयास करते हैं, जैसे मशीन के पार्ट टूट गए, चलते चलते गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स के चलते और हीट प्रोड्यूस करता है और अंत में जाकर वो टूट जाता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, वायल लगाते हैं, लुब्रिकेंट्स वगैरह का प्रयोग करते हैं मशीन के पार्ट पुर्जों में, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसकी लाइफ लंबी हो जाती है। जैसे अगर स्पोर्ट्समैन है, वह खांचेदार एक स्पोर्ट्स की सोल सुई अलग टाइप का होता है, उसका सोल उस ढंग का बना होता है कि पर्याप्त उसको फ्रिक्शन फोर्स देता रहे। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहे तो शायद हमारे जीवन की अधिकांश एक्टिविटीज ठप पड़ सकती है।
तो फ्रिक्शन मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो रगड़। यह स्वतः उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह स्वतः उत्पन्न होता है, स्वतः जेनरेट होता है। ऐसा बात नहीं है कि फ्रिक्शन को हम लोग कहीं से लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वह स्वतः एक ऑब्जेक्ट के अपोज में, एक मोशन ऑब्जेक्ट के अपोज में वर्क करना शुरू कर देता है। तो जो गति का विरोध करता है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर मान लेते हैं, सड़क पर आप साइकिल चलाते हैं, एक पैडल मारकर छोड़ दीजिए, तो आपके एक्टिविटीज का, आपके ट्रेवल्स का वह फ्रिक्शन, जो सड़क पर रोड़े कंकड़ पत्थर बिछाए गए हैं, वो आपके व्हील के मोशन का विरोध करेगा, अपोज करेगा। पुनः आप पैडल नहीं मारिएगा तो अपोज करते करते आपको स्टेशनरी मूड में ला देगा, स्टेशनरी में ला देगा, रेस्ट में ला देगा। जैसे मान लिया जाए एक आप पत्थर लगाए, एक पत्थर मान लेते हैं किसी जमीन पर है या लोहा का टुकड़ा जमीन पर है, आपने एक बार प्रयास किया उसको टस से मस करने का, लेकिन टस से मस नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि आपका जो प्रयास है, आपका जो प्रयास है वह फ्रिक्शन फोर्स से लेस है, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज द ग्रेटर देन योर एक्टिविटीज या योर मस्कुलर फोर्स। कहने का मतलब है जब तक फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग जो बल लगा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स से हर हालत में ज्यादा होना चाहिए, तभी वह ऑब्जेक्ट अपने कंडीशन में, अपने स्थान में, अपने दिशा में परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा वह कभी नहीं कर पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ द फ्रिक्शन, काइंड्स ऑफ द फ्रिक्शन पर हम लोग चर्चा करें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है और 9th में भी है। इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से आप लोग देखेंगे और ये, हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं एक काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हमारा क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। स्लाइडिंग फ्रिक्शंस स्लाइड करना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हिंदी होता है विसर्पी घर्षण। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का हिंदी होता है विसर्पी फ्रिक्शन। विसर्पी फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट पर, एक सरफेस पर दूसरा ऑब्जेक्ट चलने का प्रयास करता है, ट्रेवल करने का प्रयास करता है, ट्रेवल करता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसको कहते हैं हम लोग हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन विसर्पी घर्षण। जब एक धरातल पर, एक ऑब्जेक्ट पर, एक सरफेस पर दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करता है, तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन स्वतः उत्पन्न होता है, मान लेते रफिंग होगा या उबड़ खाबड़ होगा या छोटे छोटे जो पार्टिकल से क्रिस्टल के रूप में इसके ऊपर होंगे, तो स्वतः फ्रिक्शन जेनरेट हो जाता है और इसके वह इसका अपोज करता है या मास आगे की तरफ ट्रेवल करने का प्रयास करता है। अगर ट्रेवल कर भी रहा है तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जेनरेट होता है, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जेनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन विसर्पी घर्षण। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स रोलिंग फ्रिक्शन, लूटन घर्षण। रोलिंग फ्रिक्शन, यह आपका एक सरफेस है, यह आपका एक ऑब्जेक्ट है, यह एक सरफेस है या ऑब्जेक्ट है, सरफेस है जो मानिए आप, और एक रोल बॉल टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो लुढ़कते जाता है, लुढ़कते जाता है, लुढ़कते जाता है। इस स्फीयर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, इस स्फीयर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है और यह उसका सरफेस है, तो इस सरफेस और स्फीयर टाइप के ऑब्जेक्ट के बीच में
जो फ्रिक्शन जेनरेट होता है इसको आगे बढ़ने के लिए जिस फ्रिक्शन का अपोज करना पड़ता है, अब फ्रिक्शन भी इसका अपोज करता है, यह भी उसका अपोज करता है। अगर इसका प्रयास फ्रिक्शन फोर्स के प्रयास से ज्यादा है, इसका अगर प्रयास फ्रिक्शन फोर्स के प्रयास से ज्यादा है तो निश्चित रूप से आगे की तरफ लुढ़केगा। यह देखिए स्फीयर है और एक स्टेट सरफेस पर आपका ये ट्रेवल्स कर रहा है। ट्रेवल्स करते समय दोनों सतहों के बीच में ये स्फीयर ऑब्जेक्ट और ये जो आप देख रहे हैं जैसा भी यह मार्ग हो, जैसा भी यह सरफेस हो, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जेनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शंस कहते हैं। लुढ़कना मतलब इसको लोटन फ्रिक्शन भी, लोटन घर्षण भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो एक स्फीयर टाइप का ऑब्जेक्ट जब किसी धरातल पर, किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रेवल्स करता है और ट्रेवल्स करते समय उस स्फीयर टाइप के ऑब्जेक्ट और एनोदर सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन जेनरेट होता है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शंस कहते हैं। अब दूसरा चलिए लिक्विड फ्रिक्शंस। जितना भी आपका शिप है, बोट्स वगैरह है, या जितना भी जो वाटर में ट्रेवल्स करते हैं, वाटर के आउटर सरफेस पर ट्रेवल्स करते हैं, तो ये जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है और वाटर के बीच में जो ऑब्जेक्ट जल के जलाशय के आउटर सरफेस पर ट्रेवलिंग करते हैं, मोशन में रहते हैं, तो उस मोशन ऑब्जेक्ट, उस ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट और वाटर के बीच में, वाटर के आउटर सरफेस और इस मोशन ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसको लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं तरल घर्षण, हिंदी में कहते हैं तरल घर्षण। तो लिक्विड फ्रिक्शन ये खासकर जल के लिए है। जल में, जलाशय में जो ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट और आउटर सरफेस ऑफ वाटर के बीच में, आउटर सरफेस ऑफ वाटर के बीच में जो आउटर सरफेस और आउटर सरफेस ऑफ वाटर एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में जो यह वाटर, इसका विरोध या इसका विरोध, अगर इसका प्रयास वाटर के विरोध से ज्यादा है तो आगे की तरफ जरूर बढ़ेगा। अब चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको कहते हैं चरम घर्षण या सीमांत घर्षण। चरम घर्षण और सीमांत घर्षण का मतलब क्या हुआ? अगर मान लिया जाए 50 किलो का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, आपको कहा गया कि भाई इसको थोड़ा सा धकेलो और आगे की तरफ बढ़ाओ, आपने धकेला लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ा, इसका मतलब है स्टैटिक्स जो फ्रिक्शंस हैं, स्थैतिक जो घर्षण है वह आपके प्रयास से अधिक है। आपने प्रयास किया, आखिर हुआ पत्थर का टुकड़ा हुआ स्टोन आगे क्यों नहीं बढ़ा? आपने प्रयास किया लेकिन पत्थर का टुकड़ा हुआ आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ा? इसका मतलब है कि आपका जो प्रयास है स्थैतिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा तो वस्तु टस से मस नहीं होगी, वह वस्तु टस से मस नहीं होगी। लेकिन अगर प्रयास थोड़ा और बढ़ाइए, अपने बल को, मास्कुलर फोर्स को थोड़ा और बढ़ाइए, और जब मास्कुलर फोर्स को पहले के बल इस पर थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं तो वस्तु हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, हल्का सा अपने स्थान को छोड़ देती है। उस परिस्थिति में उसे हम लोग कहते हैं चरम घर्षण, सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन आपका क्लास 6 में भी है, 7th में भी, 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में नहीं है, लेकिन 10th वाले तो पहले से 9th और 7th 8th में पढ़कर ही 10th में जंप किए हुए हैं। लेकिन फ्यूचर में अब आगे की तरफ जाएंगे कंपटीशन वगैरह में तुमको निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रिक्शन मतलब होता है शाब्दिक अर्थ रगड़,
एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर जैसे ही ट्रेवर्स करने का हम कोशिश करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर जैसे ट्रेवर्स मूविंग में लाने का प्रयास करते हैं, तो वह स्वतः मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोज में स्वतः काम करना शुरू कर देता है। हु अपोजेज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होता, या कभी भूलकर भी कहीं मत कहिएगा कि फ्रिक्शन हम उत्पन्न कर देंगे। फ्रिक्शन तो स्वतः उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन को कम करते हैं और बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन को कम, जैसे मान लेते हैं रोड पर काई मुझे लगा हुआ है तो आपको चलना मुश्किल होगा, तो वहां पर रोड़े कंकड़ पत्थर बिछा देंगे तो फ्रिक्शन कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करता है तो स्वतः वहां पर उसका अपोज करने वाला फोर्स तैयार हो जाता है, जिसको कि हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हो गया चार प्रकार का। स्लाइडिंग, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच पर ट्रेवल्स करना और दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है उसको विसर्पी घर्षण कहते हैं। नंबर दो, रोलिंग, किसी ऑब्जेक्ट पर किसी धरातल पर स्फीयर टाइप का, गेंद टाइप का, स्फीयर टाइप का ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करता है तो स्फीयर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तीसरा, लिक्विड फ्रिक्शन, ये खासकर जलाशय वगैरह में, नदी में, तालाब में, सागर में, महासागर में जितने भी बोट्स वगैरह, शिप्स वगैरह चलते हैं, तो वह जब चलता है तो उसको भी फ्रिक्शन फोर्स का विरोध करना पड़ता है। ये बोट्स और जलाशय के बीच, आउटर सरफेस ऑफ द वाटर्स के बीच में वह इसका अपोज करता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो बोट्स का जब प्रयास इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो नाव निश्चित रूप से आगे की तरफ बढ़ेगी। चौथा है लिमिटिंग, आपने एक स्टोन पर मस्कुलर फोर्स लगाया लेकिन वह स्टोन टच से मस्त नहीं हुआ, इसका मतलब है कि स्टैटिक्स जो फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा है, आपने फर्स्ट बार में जो प्रयास किया वह प्रयास आपका विफल रहा, लेकिन पुनः अगर प्रयास करते हैं थोड़ा सा और मास्कुलर फोर्स को बढ़ा देते हैं तो यह थोड़ा टच से मस्त हो जाता है, तो उस परिस्थिति में तब कहते हैं चरम घर्षण या सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त होगा, इसे निश्चित रूप से देखेंगे और हमारे व्हाट्सएप पर या जो हमारे जो वीडियो जो मटेरियल्स है उस पर व्यूअर की संख्या जितनी अधिक होगी, हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं सिक्स से लेकर नाइन तक में, कम से कम उतना व्यूअर आता है तो मुझे बहुत भारी एनर्जी मिलती है और हम स्वतः फर्दर अपने ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं। थैंक यू।